नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं इस वक्त मिशन 24x7। हम इस समय मौजूद हैं सायाहपुर के वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में। यहां पर कल एक मेडिकल की ही छात्रा ने छत से कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया था, जिसके बाद मिशन लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए था। आज उसी मिशन की उस खास मुहिम का असर देखने को मिला। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सहित 3 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं अब पीड़ित छात्रा के परिजनों का कहना है कि अब आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाए। आइए अब बात करेंगे सायाहपुर के इस खास बुलेटिन की। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रा द्वारा छत से कूदकर आत्महत्या के प्रयास करने के मामले में मिशन 24x7 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सहित 3 डॉक्टरों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर मुकदमा दर्ज होने से पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मचा रहा। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज की छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया है कि छात्रा के कूदने की घटना के बाद उन्हें लगातार धमकाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज पर यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने धमकी दी है कि वह छात्राओं का कैरियर चौपट कर देंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर छात्र छात्राओं को झूठा फंसाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया जा रहा है। अभी भी यही धमकाया जा रहा है कि तुम लोग का लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देंगे। जो नर्सिंग का वो होता है मेन, जिससे मतलब डिप्लोमा जो होता है वो लाइसेंस कैंसिल करवा दिया जाएगा। तुम कभी काम नहीं कर पाओगे जिंदगी में, तुम्हारी लाइफ खराब कर देंगे हम लोग, तुम्हें पुलिस से पकड़वा देंगे, जेल करवा देंगे। और सर हमें धमकी दी जा रही थी, आशीष सुमन, डॉक्टर आशीष सुमन ने बोला कि तुम्हारे नाम दे दिए गए हैं, DM को तुम्हारा लाइसेंस करवा दिया जाएगा। हम लोग का जो तनख्वाह है वो सर है इन लोग के पास, हम लोगों ने काम किया है, लेटर 8 महीने हो गए, कुछ नहीं देना है, वो सब लेटर चाहिए। हाँ सर, हम लोग को खतरा है कि अब तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर प्रशासन भी आ रहा है वो हम लोग की मदद नहीं कर रहा है, वो भी इन्हीं की कह रहा है। मेडिकल कॉलेज में छत से कूदने वाली छात्रा के परिवार वालों का आरोप है कि वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज का प्रशासन उन्हें उनकी बेटी से मिलने नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि बेटी कल्पना को सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाए, अन्यथा उसके साथ कोई भी घटना हो सकती है। हमको बिल्कुल घुसने नहीं दिया गया, हमको बाहरी से लौटा दिया गया। गार्डों ने हमारे सीने पे हाथ रख के हमको पीछे धक्का भी दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, जबकि मैं लड़की का सगा भाई हूँ और मैं उससे 5 साल बड़ा भी हूँ। मेडिकल कॉलेज में छात्रा द्वारा छत से कूदने के मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर अपना विरोध जताया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने जिलाध्यक्ष राजीव यादव के साथ मिलकर वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने इस घटना को शर्मसार करने वाला बताया, साथ ही दोषी मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज में छात्रा द्वारा छत से कूदने के मामले में छात्राएं मीडिया की भी भूमिका की सराहना करती नजर आईं। उनका कहना है कि अगर मीडिया ने असलियत ना दिखाई होती तो शायद आरोपी अपने रसूख के बल पर बच जाते। उन्हें उम्मीद है कि अब रसूखदारों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई भी होगी। फिलहाल छात्र छात्राएं मीडिया का शुक्रिया कहते नजर आए। कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के कोरोना पॉजिटिव की फर्जी खबर सोशल मीडिया पर तैरती रही, जिससे उनके समर्थकों में मायूसी छाई रही। हालांकि खुद सुरेश कुमार खन्ना ने बाद में ट्वीट करके अपने स्वस्थ होने की जानकारी दी। उनका कहना है कि वह पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और सरकारी काम कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि किसी ने झूठी अफवाह फैलाकर सोशल मीडिया में उन्हें कोरोना पॉजिटिव बता दिया, मामले में जाँच की जा रही है। तेलहर पुलिस को गांजा तस्करों को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 100-100 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए दोनों लोग इलाके में गांजा बेचने का काम कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए दोनों लोगों को जेल भेज दिया है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष मंजीत सिंह ने इंडिया न्यूज की मान्यता प्राप्त पत्रकार शशांक शुक्ला से राखी बंधवाकर मीडिया और यूनियन के रिश्ते को मजबूत करने की सराहनीय पहल की है। उनका कहना है कि समाज में मीडिया का एक महत्वपूर्ण रोल है और मीडिया सच्चाई को दिखाने के लिए कमजोर लोगों के लिए ताकत का काम करती है। इस दौरान उन्होंने राखी बंधवाकर पत्रकार शशांक शुक्ला को परंपरागत उपहार भी दिया। शशांक शुक्ला ने भी किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष के इस प्रयास की सराहना की।
पुआया के उमरिया कल्याणपुर गांव के रहने वाले किसान शिवाकांत मिश्रा ने अपनी भैंस की मौत के लिए पशु मित्र पर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि पशु मित्र ने उनकी भैंस को गलत इंजेक्शन दे दिया, जिसके चलते भैंस की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल किसान ने आरोपी पशु मित्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। पुलिस मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। खुडार थाना क्षेत्र के रौतापुर गांव की रहने वाली महिला ने गांव के ही दबंग पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि प्रदीप कुमार और सरनाम सिंह नाम के युवकों ने मामूली सी बात पर महिला को धमकाते हुए उसके साथ मारपीट की। इस मारपीट में महिला घायल हो गई। महिला का यह भी आरोप है कि दबंगों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। किसी तरह से भागकर महिला ने अपनी जान बचाई। फिलहाल पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेज दिया है। अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। तेलहर में हिंदू युवा वाहिनी और राष्ट्रीय गौरक्षा संघ के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में पहुंचकर जमकर हंगामा काटा। उनका कहना है कि हिंदू समाज पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने महज शांति भंग में कार्रवाई की है। हिंदू युवा वाहिनी और राष्ट्रीय गौरक्षा संघ ने मांग की है कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाए। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है।